नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। नौगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत महुआ फतुहावा में बीती रात तूफान ने तबाही का आलम ला दिया, जहां पर आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण बेघर होकर दूसरे के घरों में रहने को मजबूर हो गए। ग्राम प्रधान महेंद्र यादव ने बताया, आलम यह रहा कि बचना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से लोग दूसरे के घरों में जा छिपे, तब लोगों की जान बची। फिलहाल महुआवा फतुहावा सहित बरगदवा में कुल देखा जाए तो दर्जनों लोग बेघर हुए हैं। वहीं बिजली की बात करें तो पूरी तरह से सेवा ध्वस्त हो गया। लोगों के घरों में मोटे मोटे पेड़ गिरने से लोगों के घरों पर भारी नुकसान हुआ। ग्राम प्रधान ने राजस्व विभाग को सूचना देकर क्षतिपूर्ति मुआवजा के लिए तहसीलदार क्षेत्रीय लेखपाल को अवगत कराया है। अब देखना यह है कि क्या तहसील प्रशासन बेघर हुए लोगों या नुकसान की संभवतः मुआवजा देने में कामयाब होता है या नहीं। फिलहाल लोगों के जनजीवन में काफी नुकसान देखा गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है? अमरावती। पति का नाम? चंद्रबली। कौन सा गाँव है? महुआ फतुहा। क्या मामला, कैसे घर गिरा है? आंधी में। कितने देर तक आंधी पानी आया? पानी 2:30 बजे आयल है। हाँ, 1 घंटा तो रहा है हुई। हाँ, तो इस घर में कितने लोग थे? यह घर में यह हमारे सास पतुआ रहली और नाई बाट बाहर गई है। कैसे जान बचाई आप लोग? और भाग के हर जान बचावल गई और का कैल जाए। कितने का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान भाई भाई, हमन कुल साइकिल कपड़ा लत्ता कुल हमार सर सामान ही कुल रहा है। रहने का और कोई जगह है? नहीं है। क्या चाहते हैं? यह चाहते हैं कि हमारे चार हाथ बन जाए। हाँ, प्रधान जी से मिली? नहीं अभी। फसल वसल का क्या हाल है? कुछ नहीं है, फसल वसल कुछ नहीं है, सब छाट के। कितने लोगों का घर ऐसे गिरा होगा? अरे चार छह लोग का घर तो गिर ले भाई। लोग परेशान? हाँ, सब परेशान बाटे। क्या नाम है आपका? संतोला। पति का नाम? मिठू लाल। कौन सा गांव है? नवा फतुहा। विकास खंड कौन सा है? नवगढ़। क्या मामला, कैसे आपका घर गिरा? पाथर गिरा लान ही पानी आयल है, यही महीन मनो बच गई गई। हाँ, इस घर में चार लोग। क्या नाम है उनका, कौन कौन थे? अब तीन दो बच्चे थे, हम थे और एक बुड्ढा था। क्या हुआ जब आप लोगों को कुछ ऐसा एहसास हुआ? आंधी आया, उसके बाद में पानी आया, फिर पत्थर गिरा, फिर पेड़ गिरा। हाँ, तो आप लोग अपनी जान बचा के निकल गए? अपना जान बचा के भागे। कहाँ रहे आप लोग रात भर? रात भर यही रहल गई, बैठल लाल गई। और कहाँ जाई जाई उतने समय? तो आपका पूरा मकान गिर गया। हम्म, तो प्रधान जी से आप बतलाएं? हाँ, बतलाएं प्रधान जी से। लगभग कितने गांव में कितने ऐसे घर होंगे गिरे होंगे? अब इतना लगभग कितना घर होगा? अब जोन हुआ 5-6 घर गिरल। ऐसे ही लोग परेशान हैं? हाँ, ऐसे लोग परेशान हैं। क्या चाहती हैं? आवास दिवा देना, बन जाए घर, अपन स्वतंत्र रह जाए। कहाँ रह जाए हम लोग? अब खेती उती का क्या हाल है? खेती सब खराब हो गया, सब पत्थर से हो गया, बासना ही बको दाना का खाइल जाए। क्या नाम है आपका? संजू। पति का नाम? भुवाल। कौन सा गांव है ये? महुआ फतुहा। क्या मामला, कैसे घर गिरा है? आंधी रहल, पानी रहल, पत्थर रहल, पेड़ गिर गए। एक मंजर चला आधा घंटा पत्थर गिरा नहीं, 1 घंटा आंधी रहा है। कितने कितने बड़े पत्थर गिर रहे थे? अरे इतने, अरे भारी भारी रहा पत्थर। तो ये घर कैसे क्षतिग्रस्त हुआ है? आंधी से पेड़ गिरल है। तो ये पेड़ कितना पुराना है? ढेर पुराना, हमरे ना जानती का जाने कब के जमाना में रहा है पेड़। तो ये आपके लिंटर के मकान पे गिर गया? हाँ। तो कैसे आप लोग अपनी जान बचाए? भागल गए हैं, आंधी आई है, हमरे ना जान ली कि पेड़ गिरल है, हमरे जान ली आंधी आई बा डांट टूट के गिरल है, तो भागल गए हमरे घर से। कितने लोग थे इस घर में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदमी रह लिए। 7 लोग। हाँ। और किसी को चोट लगी? नहीं, चोट नहीं लगा है, भागल गई है, बच गई गई है। तो इतना लगभग इस गांव में कितने लोगों का घर ऐसे खराब हुआ होगा, टूटा फूटा? 6, 7, 8 लोग का घर भइल भाई से। क्या चाहती हैं? अब सरकार के तरफ से मदद
चाहती और का चाहिए हमन के ना खेत ना बारी ना घर ना दुआ कौड़ा का ठिकाना ना आई। इसके लिए कहीं प्रधान जी साहब मिली? हाँ मिला ली है। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी का हाल क्या? नाम है आपके? ज्ञान मते। पति का नाम? ज्ञान दास। कौन सा गाँव है ये? महुआ फतवा। क्या हुआ, कैसे आपका घर गिरा है? अथो से गिरा था कुलिया ने। क्या हुआ था? पानी बरसल तक गिर गए कुल घर। वही तारे हमारे डपटा गए लानी तूफान कुल आए ला। वही तारे हमारे डपटा गए लड़कन लड़के वही तारे डपटा गए लाली। कितना देर तक हवा चला, कितने देर पानी बरसी, कब तक बर्फ गिरा? बर्फ एक घंटा गिरल है, आज दो घंटा आनी चलल है। अनिया चलल भैंसी रहें, भैंसी और चटा गलिन, छगड़ी चटा गलिन, हमारे नानी के पौली हमारे तरह डपटा गए लाली लड़कन लड़के हम। घर भी गिर गया आपका? हाँ। कितने लोग रहते हैं इसमें? सात परिवार रहेला मेरे। तो किसी को चोट भी आई है? चोट लड़का छोट के लागल बा, गठिया में लागल बा लड़का। कोई अधिकारी आए थे आप लोग से मिले? नहीं। प्रधान जी से मिली? हाँ। प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान कुछ ना कहा, इलाज इनके देख के गए ला प्रधान। क्या चाहती हैं? चाहते हमारे घर बन जाए, मेरे रहे को दाना ना आए ठिकाना कहूँ ना, हम गरीब मनाई बाटी कहूँ कुछ ना है मेरे बा कौन चीज ठन ले बाटी। लड़की की शादी ना बैसाख में बा कैले बाटी, घर द्वार है ये ना कैसा हम कर शादी होती। क्या नाम है आपका? घिराऊ। कौन सा गाँव है? महुआ फतुआ। क्या मामला, कैसे अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है? अब रात को तूफान आया बाबू, उसके बाद जो है पत्थर पड़ने लगा और बहुत ज़्यादा पत्थर पड़ा, कम से कम 2 फीट के लगभग पड़ा हुआ है। फसल सब साफे हो गई है। इसमें गांव में कुछ लोगों का घर? हाँ, घर भी गिर गया है। चमार लोग हैं, हरिजन लोग हैं, उन लोगों का जो है घर गिर गया है। एक पीपल का पेड़ था उसी पे गिर पड़ा है। घायल भी हुआ? घायल, एक आदमी घायल हो गया है। क्या हाल है उसकी? नहीं ठीक है। तो इस समय लोग कहाँ रह रहे हैं जिनका घर गिर गया? वही दूसरे के घर में बाट है। मेरा नाम महेंद्र यादव है, मैं ग्राम पंचायत बरगदवा से प्रधान हूँ, ये मेरा क्षेत्र है। मामला क्या है, इतने घर जो है तबाह हो चुके हैं? रात में बहुत तेज आंधी आई थी और आंधी नहीं उसको हम तूफान कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। लगभग पूरा गांव अस्त व्यस्त हो गया है। बरगद का पेड़ सब मकान पे गिर गए हैं, मकान सब ध्वस्त हो गया है। कितने लगभग मकान ऐसे लोगों के ध्वस्त हुए? मेरे ग्राम पंचायत में काफी मकान ध्वस्त हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ निजे यहाँ महुआ फतुआ गांव में कम से कम 10 से 15 लोगों का मकान ऐसा है जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। ये लोग रह कैसे रहे इस समय? स्थिति बड़ी दयनीय है, इनके घर उनके घर रह के जीवन गुजर बसर करेंगे। विद्युत व्यवस्था क्या है इस समय, चरमरा गई है? विद्युत व्यवस्था तो बहुत दयनीय है, जगह जगह पे पोल ट्रांसफार्मर सब गिर गए हैं और मेरे ख्याल से इतना जल्दी तो बिजली आ नहीं पाएगी। लेकिन मैं तो कहूँगा सरकार से कि जल्दी जल्दी बिजली व्यवस्था करें और जो गरीब लोगों का मकान गिरा है इनके लिए कोई व्यवस्था करें। आप द्वारा क्या किया जा रहा है? अब मेरा द्वारा जो भी मेरे लायक होगा, अगर राशन की आवश्यकता होगी या फिर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, पूरा सहयोग होगा। तो अभी तक आप ऊपरी आला अधिकारी को सूचित किया? या अभी तक तो मैंने लखपाल को और मैं तहसीलदार को कांटेक्ट कर रहा था, संपर्क में हुआ नहीं। SDM को कांटेक्ट कर रहा था, लोगों का फ़ोन ऑफ आ रहा, बट लखपाल का फ़ोन चालू है और वो आ रही है मौके पर। क्या लगता है आप इनको जो है आवास दे पाएंगे? अब सरकार अगर योजना चालू करती है तो बिल्कुल आवाज दिया जाएगा। क्या दैविक आपदा में कोई ऐसा प्रबंध नहीं? दैविक आपदा में प्रबंध है तो ये आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो चाहूंगा, मैक्सिमम मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा गांव के लोगों के साथ साथ लेकर कि लोगों को आपदा से लाभ मिले। कौन सा विकासखंड है और कौन सा जनपद है? मेरा विकासखंड नौगढ़ है, जनपद सिद्धार्थनगर। क्या नाम है, कौन सा गाँव है? हमारा नाम जगदीश मिश्रा है, यही महुआ फतुआ का रहने वाला हूँ और सरे रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के करीब में आधी और चक्रवात तूफान जो भी इसको कहा जाए आपदा, ये 2:30 से 3 के बीच में आया और उसके बाद जो है जितना मतलब मकान के पास में जो पेड़ था वो सब पेड़ उस पर जो है आधी के साथ साथ में मकान पर गिरा, ध्वस्त हुआ मकान
अब इन लोग के पास में रहने के लिए और कोई जान माल का भी खतरा हुआ नहीं? जान माल का तो बीच बचा हो गया, किसी का कोई खतरा मतलब मौत नहीं हुई, और चोटें आई हैं, हल्का फुल्का चोटें आई हैं, लेकिन यह है कि बीच बचाव हो गया, मतलब जान नहीं गई किसी की। कितने का हुआ? अब नुकसान तो मान करके चलिए कि यहाँ कम से कम 5 से 7 घर तो इस तरह के हैं कि जो बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो गए, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, और छोटा छोटा किसी का टीन उड़ा, किसी का टप्पर उड़ा, और बाकी जो फसलें हैं, फसलें भी सारा एकदम ध्वस्त हो गया। जिस तरह हंसिया से बरसीम काटा जाता है, उसी तरह से एकदम गेहूं का और केराव का, लाही का, सारा एकदम बिल्कुल वही तहस नहस हुआ है। पूरा जितना एरिया ये लग रहा है सब अपना पूरा पत्थर के वजह से सब वो ध्वस्त हुआ, और पेड़ के वजह से मकाने ध्वस्त हुई। बिजली व्यवस्था? बिजली व्यवस्था अब जितना है रोड से लेकर के गांव तक का सब कम से कम कुछ नहीं तो हमारा अंदाज है 15 से 20 पोले इस तरह हैं जो टूट गई हैं, गिर गए हैं रोड पे, और उसके बाद ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर भी लेकर के सब डबल पोल वाले पे लगा हुआ था लेकर के ध्वस्त हो गया है। 4-5 ट्रांसफार्मर बरगदवा से लेकर के महुआ फतुआ के बीच में लगा है। ऐसे में रात के अंधेरे में कैसे आप लोग रहेंगे? अब रात के अंधेरे में तो अब इतने टाइम कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है। अब हम लोग तो यही है, अब गांव वाले जो भी हैं सरकार को किसी तरह से निवेदन करें, सरकार अपना जो है इसका जितना शीघ्रता शीघ्र काम हो सके उसका अपना व्यवस्था करवावे। जिनकी आवास ध्वस्त हो गए उनके बारे में? अब उनके बारे में तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार इन गरीबों के जो है जिस तरह से भी जितना भी हो सहयोग मकान इनका किसी तरह से बनवाया जाए आवास के जरिए, चाहे जिस जरिए, क्योंकि इन लोग के रहने के लिए अपना निजी का कोई और व्यवस्था तरीके नहीं। यही गांव था प्रभावित हुआ कि अगल बगल के भी? नहीं, अगल बगल के गांव में हुआ पर बहुत हल्का हुआ है, वही किसी का टीन उड़ा, किसी का छप्पर उड़ा, लेकिन फतुहवा गाँव में ये बहुत बड़ा समझ लीजिए कि बहुत विषम परिस्थिति का ये आंधी तूफान दिख रहा है और मकान दिख रहा है गिरा। आप अपने प्रधान को सूचित किए? हाँ बिल्कुल, प्रधान को सूचित किया गया, प्रधान मौके पर आए, और उसके बाद हम भी जो है अभी निकल करके बरगदवा और आ गया महुआ फतुआ सारा जो है जानकारी जिसका जो नुकसान हुआ है देख करके आए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा फतुहा में ही नुकसान हुआ है, ये जो 4-5 घर 6 घर है। नाम है आपके? सूर्यमती। पति का नाम? कृष्ण नारायण। कौन सा गांव है ये? फतुहा। कौन सा विकास खंड है? नौगर। क्या मामला, कैसे गिरा आपका घर? सब रात के आने पानी आयल कुल गिर गया, मेरा रख ठिकाना ना आई बकाऊ, ये दिन दिन लड़के बाटा रात भर सुतली ना लेके बैठा लाली। कितना नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान है तो भाई बकुली है ना। कितने देर तक रहा ये मंजर? हम रात भर राल है। कहाँ रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं? यही राली, अपने घर में राली रात भर। क्या चाहती? अब कहा चाल जाते साहब, दिया जा कुछ, अब गरीब मनाई, अब कहाँ हम रहे? बनवा दिया जाए। कितने लोग रहते हैं घर में? हमारे 4 परिवार बाटे।